हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन कारगिल लद्दाख में। आप ये वीडियो देखिए और एंजॉय करिए आखिर तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। टॉप 1 की अगर हम बात करें तो कारगिल वॉर मेमोरियल, जिसको द्रास वॉर मेमोरियल भी कहते हैं, ये हमारे ग्रेट इंडियन आर्मी ने बनाया था द्रास टाउन में, जो कि कारगिल लद्दाख का पहला टाउन है कश्मीर साइड से जब आओगे। ये इसलिए बनाया था ताकि जो हमारे सोल्जर शहीद हुए थे 1999 वॉर में पाकिस्तान और इंडिया के बीच, उनके रिमेम्बरेंस, उनके कॉमेमोरेट के लिए बनाया था। इसका जो यूनिक डिज़ाइन और ब्यूटीफुल व्यू, ग्रीनरी से ढके हुए और विंटर में बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों से घेरे हुए, और इसमें जो डिफरेंट वेपन इंस्टॉल किया गया है आर्मी की तरफ से, उसकी वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस दिखते हैं। फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में ये सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है और पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग इसको विजिट करते हैं हर साल। टॉप सेकंड पर है टम्बिस वाटरफॉल। ये वाटरफॉल टम्बिस विलेज में पड़ता है। टम्बिस विलेज कारगिल टाउन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत ब्यूटीफुल और एडवेंचरस है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं इसको एंजॉय करने के लिए, और इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है कारगिल लद्दाख में। टॉप 3 पर है हुंदुरमान विलेज। ये गांव कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। 1971 से पहले ये पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। इस विलेज के पहाड़ इंडो पाक के LOC पर ले करते हैं। लोग इस नज़ारे को देखने अलग अलग जगहों से आते हैं और बिनोकुलर्स का भी इंतजाम किया हुआ है इस नज़ारे को देखने के लिए हुंदुरमान विलेज में। टॉप 4 पर है फुकतल गोम्पा। गोम्पा लद्दाखी में मोनेस्ट्री को बोलते हैं। ये गोम्पा रिमोट विलेज लंगनक जांस्कार में पड़ता है, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। इस गोम्पे पर पहुंचने के लिए रोड नहीं है, रोड सिर्फ पदुम तक है, जो कि एक जगह का नाम है जांस्कार में। तो इस गोम्पे पर पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। जितने भी सामान है वो याक, गधे और घोड़े के थ्रू सप्लाई होते हैं। विंटर में रोड्स जम जाते हैं, तो गोम्पे पर सामान जांस्कार रिवर के थ्रू सप्लाई होते हैं। टॉप 5 पर है मुलबेग गोम्पा। इस गोम्पा के अंडर 2 गोम्पास आते हैं। सबसे पहले सिरतुंग गोम्पा, जो कि द्रुकपा बुद्धिस्ट से बिलोंग करते हैं। दूसरा आते हैं रिगल्दन से गोम्पा, जो कि गिलुकपा बुद्धिस्ट से बिलोंग करते हैं। रिगल्दन से गोम्पा एस्टेब्लिश किया था थंगबा लजवा ने, जिसको अगु दंगबा के नाम से जाना भी जाता है। ये गोम्पा 800 साल की बनी हुई माना जाता है एक तिब्बतन स्कॉलर के द्वारा, जिसका नाम है लोत्सवा रिंचन जंगपो। लोग इसकी हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, कार्विंग्स और बहुत कुछ देखने और जानने आते हैं टूरिस्ट बनके।